प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में रहे वरिष्ठ अधिकारी अब जिला कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक का जिम्मा संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीम का हिस्सा रहे इस अधिकारी की सेवाओं का लाभ जिला कांगड़ा को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात रहे आईपीएस अधिकारी विमुक्त रंजन को प्रदेश के सबसे बड़ा जिला कांगड़ा का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में रहे वरिष्ठ अधिकारी अब जिला कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक का जिम्मा संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीम का हिस्सा रहे इस अधिकारी की सेवाओं का लाभ जिला कांगड़ा को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात रहे आईपीएस अधिकारी विमुक्त रंजन को प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है। उन्होंने जिला कांगड़ा में पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभाल लिया है और अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है। गौरतलब रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में तैनात रहे आईपीएस अधिकारी विमुक्त रंजन इससे पूर्व भी विमुक्त रंजन बौद्ध धर्म द्वारा दलाई लामा की सुरक्षा के अलावा नूरपुर व देहरा उपमंडलों में डीएसपी के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जिसके चलते उन्हें जिला के बारे में पुराना अनुभव भी काम आएगा। नवनियुक्त जिला कांगड़ा पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे पहले भी अपनी सेवाएं डीएसपी के रूप में जिला कांगड़ा के दो उपमंडलों में दे चुके हैं और उन्हें भलीभांति जिला कांगड़ा की चुनौतियों के बारे में जानते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकताएं नंबर एक ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से और भी अच्छा करना और नंबर दो नशे के ऊपर कड़ा प्रहार करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में वे अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उनका बहुत अच्छा अनुभव वहां पर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी एजेंसीज के साथ बहुत सारे देशों की पुलिसिंग भी उन्होंने देखी है, तो वे यहाँ भी पुलिसिंग में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। जिला भी है और सबसे बड़ा जिला भी है और ये जो कार्यभार है वो आपके कांधों पर सौंपा गया है, तो कैसे लेते हैं आप इन चुनौती? मैं कांगड़ा में पहले भी रहा हूँ, एसडीपीओ नूरपुर, एसडीपीओ देहरा, मेरा प्रोबेशन पीरियड भी कांगड़ा का ही है। तो कांगड़ा में क्या चुनौतियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उस समय की हैं, मैं भलीभांति उनसे परिचित हूं। जो हमारा बॉर्डर एरिया है उसके बारे में भी मेरा मुझे क्लियर आइडिया है। हाँ, अभी ऑलमोस्ट 7 साल के बाद मैं वापस आ रहा हूं, सो आई विल टेक सम टाइम, थोड़ा समय लगेगा, आई विल अंडरस्टैंड और अपडेट करूँगा अपने आप को और उसके बाद अकॉर्डिंगली जो भी स्ट्रैटेजी होगी, स्ट्रैटेजी बना करके हम एक मुहिम के तौर पर यहाँ पर काम करेंगे। जो मेरे प्रायोरिटी एरियाज रहेंगे, ट्रैफिक, क्योंकि हम लोग टूरिज्म के लिए हिमाचल और ये धर्मशाला स्पेशली जाना जाता है, तो उसके लिए जो भी हो पाएगा प्रशासन के साथ मिलकर के कुछ भी हम स्ट्रेटेजाइज कर पाएंगे कि इसको और बेहतर कर सकें और अच्छे से कर पाएं, वो मेरी कोशिश रहेगी। ट्रैफिक पुलिस को और चुस्त दुरुस्त करना, उनको प्रोएक्टिव रखना, लंबे समय तक अपनी ड्यूटी पे सही से काम करें, आई ट्राई टू इंश्योर दैट एंड आई डू इट। ड्रग्स के बारे में मैं सुन रहा हूँ, पहले जब मैं इस यहाँ पे था तो जो अभी चिट्टा के बारे में बात हो रही है मैं सुन रहा हूँ, उस समय नहीं था। सो आई अंडरस्टैंड दिस एंड डेफिनेटली हम एक स्ट्रैटेजी और एक प्लान बनाएंगे और उसके तहत मुझे उम्मीद है हम काफी कड़ा प्रहार उसके ऊपर करने की कोशिश करेंगे। सर, चूंकि ये कांगड़ा के लिए सौभाग्य की बात है कि आप सेंटर से आए हैं और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहे हैं, तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा और उस एक्सपीरियंस का यहां पर किस तरह से जो है वो प्रभाव देख सकता है या आप उस कैश करने की कोशिश करेंगे? वो एक डिफरेंट तरह का काम है, दैट्स वीआईपी सिक्योरिटी और एज अ प्रोफेशन बहुत स्पेशलाइज्ड काम है और मुझे उसके बारे में ज़्यादा बात करने की अनुमति भी नहीं है, तो उसके बारे में नहीं। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी एजेंसीज के साथ काम करके बहुत सारी कंट्रीज की पुलिसिंग भी मैंने देखी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम कुछ चेंजेस यहाँ की पुलिसिंग में भी ला पाएंगे और कोशिश करेंगे कि लेके आए। सो डेफिनेटली वो जो एक्सपीरियंस है वो मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्प करेगा मुझे।